हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राधे। और ये चौलाई की भाजी, इसको मैंने धुलकर और पानी छटने के लिए रख दिया। जब पानी अच्छे से इसका छट जाएगा उसके बाद हम इसको काटेंगे। और ये हरी मटर और चने मैंने रात में गला दिया था, तो चने मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे खा लेती हूँ हल्का सा नमक मिक्स करके, तो बस। और ये हमारे गार्डन की तेज तीखी मिर्ची जिसको खाने से कान झन आ जाते हैं। अब मॉर्निंग से उठ के इतना सारा काम करना है तो पेट पूजा तो जरूरी है, तो थोड़ा सा एनर्जी भी चाहिए, तो चने खा के थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेते हैं। और चने खाते हुए मैंने चढ़ा दिए चाय। ये सिर्फ मैं मेरे लिए बना रही हूँ क्योंकि इनको चाय नहीं पीनी है, तो बस ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। और यहाँ भाजी का पानी छट चुका है तो अब मैं इसे कट करूँगी। यहाँ कढ़ाई में चढ़ा दिया है सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में वो ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनती है। तो सरसों का तेल डाल देते हैं और उसमें ढेर सारा लहसुन और प्याज से तड़का लगाएंगे हम। इसमें ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उसका नेचुरल टेस्ट ही इतना अच्छा होता है। तो बस तेल गर्म हो जाने के बाद डाल देते हैं लहसुन और प्याज। तो इसको सौते कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन होगी तो हम आलू डाल देंगे। तो प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम डाल देते हैं इसमें आलू जो हमने काट के और धुल के रखा हुआ है। तो आलू मतलब 85% जब पक जाएगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें भाजी। तो आलू डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा स्वादानुसार नमक। थोड़ा सा नमक अभी डालेंगे और थोड़ा सा नमक हम बाद में डालेंगे। तो बस नमक डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा स्लो आँच में पकने देते हैं। और यहाँ पे आजू भैया को भाप दिलवा रहे हैं, सो गया है तो इसी सो गया है तो थोड़ा सा भाप ले पा रहा है, नहीं वो उसको पकड़ लेता और तोड़ता मरोड़ता रहता है। सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा है, उसको कफ जमा हुआ है, ऐसे सिकाई वगैरह होती है। जितना जो कर सकते हैं, जितने फार्मूलाज हमें पता है या पता चलते हैं, हम सब उस पर अप्लाई करते हैं। थोड़ा देर के बाद हम चेक करते हैं कि आलू पक गया है कि नहीं। और मैं आलू को दबा के देख रही हूँ तो थोड़ा सा पक गया है जितना हमें चाहिए है। तो बस उसके ऊपर से हम डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी धनिया। और बाकी मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्दी धनिया। मिर्ची पाउडर नहीं डालूँगी कि हर्षो नहीं खाएगा फिर। तो बस थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें हल्दी और थोड़ी सी धनिया और उसको मिक्स कर देते हैं और डाल देते हैं जो कटी हुई भाजी रखी हुई है। और बस मिक्स करके और उसको धीमी आंच में ढककर पकाएंगे कुछ देर के लिए। तो भाजी जल्दी पक जाती है इसलिए हमने आलू पहले से पका दी, कि आलू को पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब डाल देते हैं इसमें भाजी और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। और पहले हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और थोड़ा सा नमक हम अभी डालेंगे और मिक्स करके धीमी आंच में ढक कर रख देते हैं, जिससे कि ये जो अभी इतनी सारी भाजी दिख रही है थोड़ी देर में एकदम थोड़ी सी हो जाएगी। तो बस मिक्स कर देते हैं और ढक के रख देते हैं धीमी आंच में पकने के लिए। और यहाँ पे जो भाजी है आधे ज़्यादा पक चुकी है, बस इसी बीच हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इसमें मैं गरम मसाला वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि इसका नेचुरल टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है, इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बस धनिया डाल के कर देते हैं मिक्स और 5 मिनट के लिए फिर से ढाके पका लेते हैं और तैयार है हमारी भाजी। भाजी को कर ली है बाउल में ट्रांसफर और देखिए कितनी टेस्टी डिलीशियस टेम्पटिंग लग रही है। तो जितनी ये देखने में टेस्टी लग रही है उतनी ही गुड़ों से भरपूर है। वैसे भी भाजी में तो आयरन होता ही है और बहुत डिलीशियस बनती है।
और इस भाजी में लाल खड़ी मिर्च का तड़का भी लगता है, लेकिन मैंने लाल खड़ी मिर्च का तड़का नहीं लगाया क्योंकि उसमें आलू पड़ा था। वैसे मैं आलू भी नहीं डालती हूँ इस भाजी में, बहुत ही कम डालती हूँ, लेकिन आलू इसलिए डाला क्योंकि हर्षु भी खा लेगा, और मिर्ची खड़ी तड़का का इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर वो तीखा हो जाता तो भी नहीं खाता, तो मैंने खड़ी लाल मिर्च का तड़का भी नहीं लगाया और मिर्ची पाउडर भी नहीं डाला। तो नॉर्मल सी सिंपल सी भाजी है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। दाल चावल और भाजी, अगर दाल नहीं बनाएंगे तो भी वो अच्छी लगती है, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। तो टाइम हो रहा है अभी 3:30 बजे का और खाना वगैरह हमने खा लिया था, ये ऑफिस निकल गए थे, और आज जो मेरी और बेबी की मालिश करती थी भाभी वो भी आई थी आज। ये उस टाइम बहुत ज़्यादा रो रहा था इसलिए मैंने शूट नहीं किया, और ये सो गया था कुछ देर के लिए तो मैं भी थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा सर्दी है अभी और फीवर ठीक है लेकिन सर्दी है, और इसको छोटू सा इसका टूथ निकल रहा है नीचे वाले, छोटा सा लग रहा था कड़क कड़क, तो मैंने इसको देखा तो छोटू सा दांत इसका निकल रहा है, इस वजह से भी लगता है इसको तकलीफ हो रही है। तो बस थोड़ा सा सो गया था तो मैं भी थोड़ा सा इसके साथ लेट गई थी क्योंकि सारी रात मैं अच्छे से नहीं सो पाती हूँ। कल रात में कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में उठ जा रहा था जैसे ये अभी कर रहा है ना, और ये बेडशीट वगैरह ये सब इसी ने किया है, अच्छे से घर ही करके रख दो ना ये तो ये पूरा खराब कर देता है, ऐसी करता है ये देखिए। तो बस अभी उठा है तो मैंने थोड़ा सा इसको दूध पिलाने की कोशिश की है, जो गाय का दूध थोड़ा सा, तो बस इतना सा उसने पिया और पिया नहीं, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाने लगा था, लेकिन जब हम लोग अभी गांव गए थे तो इसने खाना पीना छोड़ दिया भूल गया खाना पीना। आए हैं यहाँ तो बड़ा ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा कुछ खा ले लेकिन वो खाता ही नहीं है, बस ब्रेस्ट फीडिंग पर रहता है बस, तो चिड़चिड़ा रहा है अभी। और मुझे भूख लग रही थी तो मैंने थोड़े से चने फ्राई किए हैं, गला दिए थे नाश्ते के लिए तो वही थोड़ा सा फ्राई किए हैं, दाने खिलाने की कोशिश करूंगी अगर ये खाएगा। और मैं मूंग चना ये सब गला देती हूँ, मूंग चना और मूंगफली वगैरह थोड़ा सा रोज गला देती हूँ कि क्या तो भूख लगती है तो बार बार वही खाना नहीं खाया जाता, मुझसे तो नहीं खाया जाता है वही खाना बार बार, तो मैं सोचे थोड़ा सा चने फ्राई कर देती हूँ थोड़ा सा अजवाइन वगैरह डाल के, तो इसको भी 1-2 दाने खिलाने की कोशिश करूंगी मैं। और जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो मैं मिल्क तो लेती हूँ रात में, लेकिन और एक तो इसकी तबीयत सही नहीं है ना, तो खुद की सेल्फ केयर तो कुछ हो ही नहीं पाती है कि कुछ अपने लिए कुछ सोच लो, बस हाँ जो थोड़ा सा टाइम है तो बस काम वगैरह और बाकी इसमें लगे रहते हैं तो कुछ हो नहीं पाता है। ट्राई करती हूँ कि अगर थोड़ा सा भी समय मिलता है तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, एक तो आदत सी हो गई है बनाने की और आप लोगों से कनेक्ट हो गई हूँ मैं, अब यूट्यूब फैमिली मेरी फैमिली ही है, आपसे मैं अपनी हर बातें शेयर करती हूँ, तो एक दिन भी अगर नहीं शेयर करो तो लगता है कुछ सुना सुना सा लगता है। तो बस कैसे देख रहा है आज ना जाने इसको क्या हो गया, आज बिल्कुल भी नहीं हंस रहा है, नहीं तो इतना शांत रहता नहीं है, ये हंसता है खिलखिलाता है, बात करूँ तो रिएक्ट करता है बट आज रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। एक तो वही खांसी सर्दी और उस पर से इसका जो दांत निकल रहा है सर्दी इसमें तकलीफ हो रही है इसको। तो बस हो गए हमारे चने फ्राई, मैं इसको खिलाने की करती हूँ कोशिश, और इसको मेडिसिन भी अभी पिलानी है, अभी 2 मेडिसिन हैं पिलाने के लिए, बच्चा है और इतनी सारी मेडिसिन इसको लेनी पड़ती हैं लेकिन क्या करें मजबूरी है, तो अभी ये 2 मेडिसिन हैं जो इसको अभी पिलाने के लिए। ये कहते हैं कि ये मुझ पे गया है कि जैसे मुझे ना खाने और पीने से पहले ही दवाइयाँ एकदम ऐसे वोमिट फील होने लगती है, सेम ये मुझ पे गया है दवाई वगैरह खाने पीने के लिए, इसके पापा बोलते हैं। तो मैं बड़ी जतन करके अभी इसको पिलाने की कोशिश करूँगी।